मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू के भारत विरोधी रुख का खामियाजा अब मालदीव उठाने लगा है, और सबसे बड़ा और तगड़ा झटका अब लगा है खुद राष्ट्रपति मोइजू को, जब उनकी पार्टी को सियासत की बिसात पर भी एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। दरअसल उसकी वजह भी भारत विरोध ही बताई जा रही है। दरअसल राष्ट्रपति बनने से पहले माले के मेयर थे मोइजू, और मेयर पद छोड़कर राष्ट्रपति का चुनाव उन्होंने लड़ा और ये चुनाव जीत गए। और ऐसे में माले में हुआ है मेयर पद का उपचुनाव, और इस चुनाव में ही मालदीव की जनता ने, खासतौर पर माले की जनता ने, राष्ट्रपति मोइजू को आईना दिखा दिया है। उनके इस तरह के बर्ताव के लिए उन्हें एक तरह से सजा भी दे दी है। मोइजू की पार्टी को इस मेयर चुनाव में करारे शिकस्त का सामना करना पड़ा है। उनकी पार्टी के उम्मीदवार मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार से बहुत पीछे रह गए, और ऐसे में माना यह जा रहा है कि जिस तरह का रुख मोइजू का था उसे लेकर के जनता भी आहत है, क्योंकि भारत लगातार उनके एक मित्र देश के तौर पर मालदीव से व्यवहार करता रहा, लेकिन राष्ट्रपति बनते ही मोइजू का व्यवहार बदला सा नजर आया। मालदीव की परंपरा यह रही कि जो भी वहां राष्ट्रपति बनता था सबसे पहले वो भारत की यात्रा करता था, क्योंकि जैसे ही मालदीव ब्रिटानिया हुकूमत से आजाद हुआ था उसके बाद भारत ऐसा पहला देश था जिसने देश के दौर पर मालदीव को मान्यता दी थी, देश का दर्जा दिया था, और तब से ही भारत मालदीव की लगातार मदद भी करता रहा है। ना सिर्फ आर्थिक मदद बल्कि सैन्य मदद भी भारत की ओर से की गई, दो ध्रुव हेलीकॉप्टर भी दिए गए थे। लेकिन वक्त के साथ साथ वहां की लीडरशिप ने जिस तरह से प्रो चाइना एक्टिविटी शुरू की, उसके बाद ना सिर्फ मालदीव को नुकसान हो रहा है बल्कि एक बड़े कर्ज के बोझ तले भी वो दबा हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में ताजा उदाहरण था मोइजू का, जिन्होंने परंपरा तोड़ते हुए राष्ट्रपति पद संभालते ही भारत का दौरा करने की बजाय कुछ दूसरे भारत विरोधी रुख रखने वाले देशों का दौरा करना मुनासिब समझा। लेकिन सिर्फ 58 दिन बाद ही उनकी जनता ने उन्हें आईना दिखा दिया कि उनका ये कदम उनके और देश के यानी मालदीव के हित में नहीं है। माले के मेयर का चुनाव हुआ और यहां मोइजू की पार्टी को एक करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, और वहां जीती प्रो भारत रुख रखने वाली मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, और इनके उम्मीदवार ने जीत करके बताया कि दरअसल माले की जनता, मालदीव की जनता जिस तरह का मोइजू का रुख है उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। यानी साफ संदेश है कि जिस तरह से मोइजू के कदमों से देश को नुकसान हो रहा है, ना सिर्फ आर्थिक तौर पर बल्कि अब सियासत की बिसात पर भी एक बड़ा नुकसान उन्हें उठाना पड़ा है, और उम्मीद इससे जनता ये कर रही है कि शायद मोइजू आगे भारत विरोधी कोई भी कदम उठाने से पहले अब 100 बार सोचेंगे।